यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले फिंगर को दबाना होगा, उसके बाद में आपको 7 दबाना होगा। जैसे आप 7 दबाओगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मशीन पासवर्ड डालने का, तो सिंपली आपको मशीन पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। अभी यार मशीन पासवर्ड क्या है ये तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड तक, लेकिन गाइस बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मशीन पासवर्ड आप डालते हो और इसको अनलॉक करते हो तो इसके ऊपर आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या आप ये सीख कर सकते हो। तो गाइस आप मशीन पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे कई सारी चीज़ ऐसे हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर पाते हो लेकिन पासवर्ड डालने के बाद में यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप मशीन का स्पीड को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कई सारे ऐसे कलर सेटिंग होते, कई सारे ऐसे सिग्नल सेटिंग होते जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपको पासवर्ड लगाने के बाद में ऑप्शन खुलता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हो तो ये सारे काम को आप नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही गाइस पासवर्ड की, तो गाइस यहाँ पे आपको ऊपर शो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि पासवर्ड क्या है। इस पासवर्ड को डालने के बाद गाइस आपके मशीन में ये काम करना शुरू कर देगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ आपका जो मशीन है वो बाबा कंपनी का होना चाहिए क्योंकि ये पासवर्ड ओनली फॉर वर्क बाबा कंपनी के मशीन के ऊपर ही काम करता है। बाकी जैसे आप पासवर्ड डाल के यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको बहुत कुछ ऑप्शन शो होगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए गाइस ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं फ्यूचर भी आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तो गाइस अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है, अगर आप ये काम को करते हो एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड मशीन के, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।